तो इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम साड़ी क्यों पहने हुए हैं, तो हम जा रहे हैं अपने ससुराल मतलब घर, तो आप लोगों को सिंपल मेकअप लुक मतलब दिखाएंगे करके। तो आप सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अगर जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, सिंपल साड़ी लुक आप सबको दिखाएंगे ट्राई करके। तो जैसे कि यहाँ पे हम साड़ी पहन चुके हैं, सिर्फ मेकअप थोड़ा सा मेकअप सिंपल मेकअप करना है, वैसे कुछ अभी फेस पे नहीं लगाए हुए हैं, तो आप सबको दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेकअप कर रहे थे। वैसे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र था हिमालय का, और बॉडी लोशन मतलब बॉडी में भी लगा सकते हैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र के, मतलब जैसा लगा लेते हैं हम ऐसे। और ये ब्लॉग लगभग बहुत दिन हो गया आए हुए यहाँ पे। 28 तारीख को हम आए थे मायके से ससुराल में, तो उस दिन का ब्लॉग है और डाल नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत सारा काम था इस वक्त तो नहीं डाल पा रहे थे, तो आज एडिट करके डाल रहे हैं। और सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाए थे, उसके बाद प्राइमर जो आप सबको दिखा होगा लैक्मे का था, और यहाँ पर लैक्मे का सीसी क्रीम है, और ये सीसी क्रीम ही लगाते हैं, मतलब कहीं आते जाते हैं तो लगाते हैं, वरना ऐसे उतना नहीं लगाते हैं। तो थोड़ा सा लेकर के बस थोड़ा सा लेना है, और जब मॉइस्चराइज़र लगाकर प्राइमर लगा लेंगे आप सबको दिखा होगा आगे। और यहाँ पे जो हमारा जो सीसी क्रीम है ना, उसको थोड़ा सा लेकर और चारों तरफ ब्लेंड कर देंगे, ऐसे हाथ से भी लगा सकते हैं आप सब। और हमारे पास था ब्लेंड करने के लिए, तो मतलब उसी से लगा रहे थे। और चारों तरफ नेक में भी लगा लेंगे, और मतलब ये वाला जो ब्लाउज स्टिच किए थे ना, तो उसका ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि रात में किए थे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा स्टिच करना था, तो उसका ब्लॉग भी नहीं बना पाए थे। आप सबको कभी फिर से कभी ब्लाउज का डिज़ाइन, मतलब उतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है वैसे, तो कभी दिखा देंगे। और मतलब ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि मम्मी का और दादी का और हमारा भी सीना था उस टाइम, छठ व्रत था, तो इसीलिए नहीं ब्लॉग बनाए थे, स्टिच किए थे। तो वैसे सब कुछ हम ही स्टिच करते हैं, मतलब हम अपने घर का जो होता है सब कुछ कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो सीसी क्रीम है वो लग गया था, और यहाँ पे लैक्मे का ही है जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, वही तो वही लगा रहे थे हम यहाँ पे, तो हमारा पाउडर भी लग चुका है। और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाएंगे, वैसे ज़्यादा नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ही लगाए थे। और कभी आप सबको मेकअप लुक मतलब अच्छा से मेकअप करके और सारी मेकअप लुक दिखाएंगे, मतलब पूरा फुल मेकअप करके, ऐसे तो बहुत सिंपल किए थे, वैसे करने का उतना मन भी नहीं करता है, तो ऐसे ही किए थे। गाइस, तो हमारा जो सिंपल मेकअप लुक है वो हो चुका है, साड़ी मेकअप लुक आपको पूरा फुल लुक दिखाते हैं, तो आप सब बताइएगा मतलब पूरा सिंपल मेकअप लुक, वैसे आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही हमें उतना लगाने का मन नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे ही। और ये वाला इयररिंग्स पहने हैं अभी, मतलब निकाल देंगे फिर से, सिर्फ मेकअप लुक मतलब दिखाना था तो ऐसे ही पहन लिए। लाइनर वगैरह भी लगा लेते हैं, वैसे सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इतना मन नहीं है इस वक्त करने का, बस इतना ही सिंपल मेकअप लुक आप सबको पूरा फुल लुक दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा साड़ी, आप सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और पूरा फुल लुक कहाँ रख के दिखाएं आप सबको दिखाते हैं। तो अगर आप लोग को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग मतलब मेकअप लुक पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। फिर आप सबको फुल मेकअप फुल लुक दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। Thank you.
किसी भी तरह से दिखा दीजिए, तो ऐसे देख लीजिए। आप सब बताना आपको कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को छोटा सा मेकअप लुक पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खूब सारे शेयर कीजिएगा। और जा रहे हैं अभी बाबू को तैयार कराने, उसको भी तैयार, अभी तैयार नहीं हुआ है, ये वाला हम निकाल देंगे उसको। और आप सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, तैयार कराते हैं फिर जाएंगे वहाँ पे, तो आप सबसे मिलेंगे थोड़ी देर में, मिलते हैं। वैसे हमारा बाबू है जो हम लोग थोड़ा सा खाना खा लेते हैं फिर जाएंगे। यहाँ पे बाबू है, हेलो बोलो बाबू, इधर देखो, हाय हेलो। और इसमें आप सबको मतलब पूरा ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ससुराल में आए थे तो मतलब बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसलिए आधा आधा करके डालेंगे। तो आप सब बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और बने रहिएगा आप लोग एंड तक हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे थे, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ना, पता नहीं इसका क्या नाम है, हमें याद ही नहीं आ रहा है, खोइसा ऐसे करके कुछ बोला जाता है। इसमें दिया जाता है चावल और क्या दूब होता है, जो घास वाला जो दूब, पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं, और हल्दी या पैसा मतलब उसमें रख कर दिया जाता है। तो वही मम्मी है ना, वही दे रही थी, और यहाँ पे हमारा बाबू था, बाबू को बोल रहे थे इधर देखो, और मम्मी इसको मतलब पैसा दी थी पहले, लेकिन बाद में भी दे रही थी, खुला करके रखी थी, मतलब कि उसको 5-5 रुपए करके देना। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, पहले दी थी 500 ऐसे करके, हमें भी दी थी, बाबू को भी दी थी, फिर बाद में उसको दे रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मतलब ससुराल में, तो यहाँ पे आप सबको दिखा रहे थे रास्ते में ऐसे। और इसमें पूरा ब्लॉग आप सबको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए अगले ब्लॉग में आप सबको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे साथ ही हमारी दीदी लोग मतलब हमारी ननद है ना, वो लोग भी जा रही थी, दो दीदी और एक फुआ जी थी ना, तो वहीं तो यहाँ पे तो वो लोग भी जा रहे थे। और यहाँ पे मैरवा था ऐसे करके, तो मैरवा में ही फुआ जी का घर है, तो वहीं से फुआ जी आई थी वहीं पे, तो वहाँ से हम लोग लेने जा रहे थे उनको, तो लेकर हम लोग मतलब घर जाते। तो यहाँ पे आप सब रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारा फल वगैरह बिक रहा था, क्योंकि उस टाइम छठ पूजा था, और ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, तो मतलब आप सबको बहुत लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं था हमें कि एडिट करके और डाले। तो अगर आप लोग को हमारे ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।